सीख रहा था, वो भी एक सुपर कार में। मैंने फर्स्ट ही काफी अच्छी खासी चलाई थी, बट उसके बावजूद कुछ लोगों को मेरी ड्राइविंग पे डाउट था। तो आज के वाले वीडियो में मैं तगड़ी तगड़ी कार चलाकर अपनी ड्राइविंग स्किल्स को इम्प्रूव करने वाला। तो इसके लिए मैंने अपनी गेमिंग सेटअप पर लगा दी एक स्टीयरिंग व्हील, जिससे मैं अपनी गाड़ी को राइट लेफ्ट कर सकता हूँ, और उस व्हील में सारे कंट्रोल्स भी हैं। रेस एंड ब्रेक के लिए मैंने लगा दिया नीचे पैडल शिफ्टर्स, और गियर चेंज करने के लिए मेरे पास एक बहुत तगड़ा गियर बॉक्स भी है। और आज मैं खेलने जा रहा हूँ भीम एनजी, नाम पे मत जाना, ये गेम बहुत तगड़ा है। लाइक इसके ग्राफिक्स तो अच्छे हैं, बट इस गेम की फिजिक्स टोटली रियलिस्टिक है। गाड़ी की कंट्रोलिंग से लेकर गाड़ी की क्रैशिंग तक एक एक चीज में रियल फील आती है इस गेम में। तो अपनी गेम स्टार्ट होने वाली है एक थोड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते से, उसके बाद मुझे मिलेगी एक सुपर कार जिसको मुझे चला के जाना है माउंटेन के टॉप पे, और वहां पर मुझे मिलने वाली है एक एसयूवी जिसको मुझे ऑफ रोडिंग करते हुए उस माउंटेन से नीचे लाना है। और अगर मैंने इतना काम कर दिया बिना किसी गाड़ी को क्रैश करे तो मैं पास हो जाऊंगा ड्राइविंग टेस्ट में। लेट्स गो, चलते हैं गेम में। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पर मैं हूं एक बहुत सुनसान आइलैंड पे, और वेट अ सेकंड, मुझे उबड़ खाबड़ रास्तों से अपनी गाड़ी बाहर निकालनी है, और मेरे को स्टार्टिंग में मिल चुकी है फोर्ड मस्टैंग। ठीक है भाई, इस गाड़ी की वैसी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी खासी है ना, बाकी ठीक है। स्टीयरिंग आराम से मोड़ता हूँ, और मुझे गाड़ी को ना पहले डालना है ड्राइविंग पे। लेट्स गो, फर्स्ट गियर पे मैंने गाड़ी को डाल दिया है, आराम से रेस देते। ओ वेट भाई, इस गाड़ी की ना ग्रिप अच्छी नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा संभाल के इसे निकालना है यहाँ पर। लेट्स गो, बढ़िया, इतनी भी बुरी ड्राइविंग नहीं है भाई, इतनी अच्छी खासी, थोड़ी थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा था मैं। अभी देखना तुम्हारा भाई क्या चलाएगा, ऐसे उड़ा दूंगा ना। वेट, पानी में नहीं गिरना भाई। पता चला अभी ड्राइविंग टेस्ट शुरू हुआ है और स्टार्टिंग में ही फेल। यार कोई भी कार मिल जाती यार, BMW, मर्सिडीज, एक बार को मेरे को कोई सस्ती सी गाड़ी दे देते भाई, पोलो वोलो, वो भी चल जाती। बट ये मस्टैंग यहाँ पर बहुत फिसल रही है, और स्टीयरिंग पे जो फील हो रहा है मेरे को घड़गड़ घड़गड़, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। बाकी ठीक है, शायद से ऊपर खापड़ रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा आगे ले जानी है। और वैसे भी ये भी एक ड्राइविंग टेस्ट का ही पार्ट है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अपने इंडियन रोड्स भी काफ़ी मैच होते हैं इस टाइप के रास्तों से, मतलब कहीं कहीं पर। बाकी ठीक है, यहाँ रास्ता ठीक है भाई। यार ये घने जंगलों में ना कसम से बड़ा ही डेंजरस मामला है इस गाड़ी को चलाना। बाकी ठीक है, शायद से मैं मेन रोड मतलब ढंग के रास्ते पे पहुँचने वाला हूँ, बस थोड़ी सी और यहाँ पर गाड़ी खींचनी है। क्या डर्ट उड़ रही है ना एकदम, ऐसे प्यारा समझ आ रहा है देखने में। अबे वेट, मेरे को लग रहा था अच्छा रास्ता आ जाएगा, ये तो और खतरनाक जंगल आ गया। मेरे को तो लग रहा है आज मैं मस्टैंग से ऑफ रोडिंग करने वाला हूँ भाई पूरी। बट ठीक है, यहाँ पर रास्ता धीरे धीरे थोड़ा ठीक होता नजर आ रहा है, स्टे आते सीधे, बढ़िया। तो चलो भाई, फाइनली ऊबड़ खाबड़ रास्ते खत्म, और अब आ चुका है प्लेन रोड, और अब मैं दिखाता हूँ आपको हैवी ड्राइवर किसे कहते हैं। इतनी देर से मैं मजाक कर रहा था भाई, अब देंगे फुल थ्रोटल। और एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड कम, ड्रिफ्ट मारने के चक्कर में ना मैं ऐसे नदी में जाके नहीं गिरना चाहता, ये जगह थोड़ी सी बढ़िया है। नेक्स्ट वाले कट पे बस आप ड्रिफ्ट देखना, 3-2-1 बस। तो थोड़ा मैं जाली में भिड़ सकता था, बट नहीं यार, यहाँ पर तो डोनट बना दूंगा बढ़िया वाले। लेट्स गो, आती है यार, आती है तुम्हारे भाई को, फुल मैं एक्टिंग कर रहा था। ठीक है भाई, लेट्स गो, अभी तो मैं भगाने वाला हूँ इस गाड़ी को एकदम खतरनाक तरीके से, जैसे कुछ ज्यादा स्लिप हो गई। वेट, रिवर्स डालो पहले से, डन डन डन, बस बस बस, वापस से पहली गियर, और अभी लेकर चलते हैं से आगे। वैसे यार मुझे ना यहाँ पर कहीं पे सुपर कार मिलने वाली थी, ऐसा मतलब गेम ने कहा था। वेट, सामने ही खड़ी है भाई सुपर कार बुग, एक सेकंड, ये बुगाटी, ये तो फिर हाइपर कार होगी ना। एक सेकंड यार, मैं जरा देख कर रहा हूँ, यस ये बुगाटी शेरोन है। लेट्स गो, जल्दी से चलकर बैठते हैं इसमें। और ये तो भाई मस्टैंग इतनी पावर दे रही है, तो भाई इसका क्या होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो भी मैं आ चुका हूँ बुगाटी शेरोन के अंदर, और मुझे इसे चलाने में थोड़ा बहुत डर लग रहा है, और टास्क है इसे लेकर जाना है माउंटेन के टॉप पे। ठीक है भाई, सबसे पहले इसे डालते हैं ड्राइविंग मोड पे, और आराम से मैं इसे चलाने वाला हूँ भाई, स्पोर्ट्स पे ना बाद में डालो। अभी एकदम लाइट सी रेस दिया भाई, क्या हो गया, बिल्कुल प्यार से चलाने वाला हूँ। मेरे को भैया थोड़ा बहुत ना डर लग रहा है, पता चला ये कुछ ज़्यादा तेज भाग जाए और सामने जाकर भिड़ जाए। वैसे थोड़ी सी रेस देके देखूं तो कितनी तेज भाग जाएगी। ओ वेट 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 भाई, भाग तो रही है और सामने प्रॉपर जंगल वाला रास्ता है। पहले धीरे धीरे चलाता हूँ, उसके बाद इसकी आराम से स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा हाथ बैठा लूँ ना, अभी अभी चले 30 किलोमीटर पर आवर। इतने पे तो भाई बंदे साइकिल चलाते हैं, बट ये 0 से 200 पहुँचने में 2 सेकेंड लेगी, तो इसलिए मेरे को 2 सेकेंड का भी थ्रोटल फुल नहीं देना है, वरना ये आउट ऑफ कंट्रोल हुई ना तो पता नहीं कहीं जाके भिड़ने वाली है, और मैं चैलेंज में फेल नहीं होना चाहता हूँ। लेट्स गो भाई, सीधा रास्ता आ चुका, मैं भगाऊंगा इतने पे तो। ओह आराम से बढ़िया। वेट भाई, इसका स्पॉइलर देख रहे हो पीछे कैसे कैसे निकल कर आ गया, देखो साइड से देखो, इसका स्पॉइलर का मस्त निकल कर आया, जैसे जैसे मैं ब्रेक दे रहा हूँ। वेट, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, यस
ये देखो इसका स्पॉइलर जो है मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इसे बंद भी कर सकता हूँ, प्लस मैं इसे ऐसे बाहर भी निकाल सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। इसकी हाइट एडजस्ट मैं स्टेयरिंग से ही कर सकता हूँ। वैसे मेरे स्टेयरिंग में सारे कंट्रोल दे रखे हैं, लाइक मैं इसका लाइट कंट्रोल कर सकता हूँ, हॉर्न मार सकता हूँ, सब कुछ ही है इसमें। बट ठीक है ना यार, अभी बहुत बात है क्योंकि गाड़ी भगाते हैं, मेरे को गाड़ी को लेकर जाना है माउंटेन के टॉप पे। वेट 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 वेट, आराम से स्पीड भाई इस टाइम पर 80 किलोमीटर पर आ रही है। बट ये गाड़ी में ना इतनी तेज स्पीड पकड़ती है कि पीछे वाला टायर फिसलने लग जाता है। लाइक मैं राइट लेफ्ट मोड़ भी नहीं रहा हूँ बट ये मुड़ने लग जाती है। तो ये है माउंटेन पे ऊपर जाने का रास्ता, फटाफट से गाड़ी को इस पे लेकर चलते हैं। और मैं थोड़ी क्लाइंबिंग के टाइम पे थोड़ी सी स्लो रखूंगा क्योंकि मेरे को आगे का ना, जैसे ये आ गया अचानक से और यहाँ पर अभी अगर तेज स्पीड में आती तो भिड़ जाती गलत। अबे एक सेकंड, ये कहाँ पर आ गए? हेलो, कौन रहता है यहाँ पे? रास्ता बंद है तो। एक सेकंड, शायद से मैं यार थोड़ा सा ना गलत आ गया हूँ। हटो भाई, मोड़ो यार, इतनी मेहनत से क्लाइंब कर आया वो भी गलत जगह पे। छी, ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ सही रास्ते पे। और एक चीज दिखाऊं, ये देखो गाड़ी को अंदर चलाने से भी एक अलग ही फील आ रही है फिलहाल। एक सेकेंड, अभी मेरे को यहाँ से राइट को मोड़ना है और ये है सही रास्ता जो कि माउंटेन के एकदम टॉप पर लेकर जाने वाला है। वैसे मैं ना बहुत सैड फील कर रहा हूँ यार, मतलब मेरे को बुगाटी मिली है और मेरे को तेज चलाने का मन कर रहा है, बट रास्ते ऐसे हैं कि मैं धीरे ही चला सकता हूँ। वैसे नहीं यार, चलाने वाला बंदा यहाँ भी तेज चला सकता है अगर उसे ड्रिफ्ट अच्छी आती है तो। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आर ही मेंटेन रखूँ, बट मैं दूंगा रेस भाड़ में जाए। ब्रेकिंग अच्छी है भाई, टेंशन नहीं है, मैं तेज भगा सकता हूँ, गाड़ी रुकती भी बहुत फास्ट है, बस घास टायर के नीचे ना आए तो। मतलब जब घास टायर के नीचे आती है ना तो फिर वो जो ब्रेकिंग लगती है फिर टायर उस पर स्लिप करते हैं और फिर आपको पता ही आ गए। बट ठीक है यार, तुम्हारा भाई इतने पतले पतले रास्तों पे 70 की स्पीड पे चला रहा था कार लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। और अब मैं आपको सुनाता हूँ इसका साउंड, बुगाटी का सुना था ना, अब एक बार इसका साउंड सुनो। अब एक सेकंड, थोड़ा सस्ता एग्जॉस्ट लग गया शायद आज के दिन, बट ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं लैम्बोर्गिनी से, लेट्स गो। अब दिखाता हूँ गाड़ी भगाई कैसे जाती है। वो बुगाटी शायद उस पर मेरा ना अभी हाथ ऐसे, एक सेकंड मैं उल्टा क्यों जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे गाड़ी पहले टर्न करनी है और इसके कंट्रोलिंग पे मेरा तगड़ा हाथ बैठा है। चलो भाई, अवेंटेड ऑफ, फुल रेडी है भागने के लिए। और वेट वेट वेट, रास्ते तो ढंग से बना लो यार, उबड़ खाबड़ थे पीछे गाड़ी उछल गई। बट ठीक है भाई, तुम्हारा भाई लपेट देगा बस, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग पे मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। ये अगर हल्की सी स्लिप हुई ना, पहाड़ से कूद जाएगी नीचे। और जो भी भाई, तुम्हारा भाई इस गाड़ी को तो यहाँ से चला रहा है भाई, ये अपने मतलब की है। ऑल राइट गाइस, तो भी तो बहुत ही तगड़ा रास्ता आ चुका है और तुम्हारा भाई यहाँ पर खींचने वाला है 100 पार। 100 नहीं, मैं 200 भी पार कराऊंगा, बस थोड़ा टर्न नहीं यार, टर्न नहीं, पहाड़ वाले रास्तों में टर्न बड़ी जल्दी जल्दी आ जाते हैं। बट ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट रास्ते भी आते हैं। भाई एक सेकंड यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं गाड़ी पहाड़ों में चढ़ा रहा हूँ या फिर उतार रहा हूँ। मतलब अभी तक एकदम सही जा रही थी, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मतलब अचानक से पता नहीं कहाँ पर ये रास्ता उल्टा हो गया, गाड़ी वापस नीचे आने लग गई। शायद मैंने कोई गलत कट ले लिया या फिर यही कोई रास्ता जो कि दूसरे माउंटेन से कनेक्ट होगा। बट जो भी है भाई, रास्ता तगड़ा 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 तगड़ा, रुक जा बस यार, अपना लैम्बोर्गिनी में तगड़ा हाथ बैठा भाई, चढ़ा देते तुरंत 100, फिर उसके बाद टाइम पे उतार भी देता हूँ। ठीक है, रास्ता सही है, सामने टर्न, प्यार से टर्न करना है। आई थिंक गाइस मैं पहुंचने वाला हूँ वैसे माउंटेन के टॉप पे, क्योंकि जो ये रास्ता जा रहा है ना, मैं इसके अकॉर्डिंग बहुत हाइट पर आ चुका हूँ। राइट साइड में नीचे सिर्फ ओशन नजर आ रहा है अभी मेरे को। ए यार से बस रुक तो जाते हैं भाई। वैसे एक सेकंड, ये देखो ये जो ऑफ रोड रास्ता आ रहा है ना, एकदम खतरनाक सी चढ़ाई, मुझे अपनी SUV शायद यहीं से उतार के लानी पड़ेगी। चलो भाई, SUV के टाइम पे देखेंगे, फिलहाल अभी गाड़ी को लेकर चलते हैं एकदम मस्त ऊपर। सो गाइस, जिस लोकेशन पर मुझे पहुंचना था ना, उसके आगे से मैं 2 बार होकर निकल गया और मेरे को पता नहीं चला कि ऑफ रोडिंग पर जाने का रास्ता वहीं से था। खैर ठीक है, अभी मेरे को पता चल चुका है ये जो बस स्टॉप है, इसके आगे वाले कट से मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ राइट में मोड़ना है और मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को शायद से गलत जगह पर ले आया हूँ। बट ठीक है, ऑफ रोडिंग वाला रास्ता भी यही है और शायद मुझे इस गाड़ी को एटलीस्ट यहाँ पर रोकना होगा, इसके बाद पैदल चलते हैं। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर रोकने से बढ़िया ना पीछे कहीं साइड में पार्क कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यस, तो ये जगह काफी बढ़िया और क्या प्यारी लग रही है यार, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी हुई, डन। तो अभी गाड़ी से उतरते हैं, गाँव क्यों ना यार, इतने प्यारे रास्ते हैं तो बंदा 100 का 500 में चलाना पसंद करेगा यहाँ तो। चलो यार, आज की सारी वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो और मेरी ड्राइविंग अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो यार जाकर वीडियो को लाइक, और भी क्रेजी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है उसे जाकर दबा दो भाई, बिल्कुल फ्री है यार। और हाँ, कॉमेंट्स में जाकर जरूर बताना कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।